जी क्या नाम है पेशेंट का? सुधा रानी। आपके कौन है पेशेंट? मम्मी। कहाँ से आते हो? लखीमपुर यूपी से। लखीमपुर में कहाँ से? लखीमपुर में रामनगर कॉलोनी से। रामनगर कॉलोनी में कहाँ से? रामनगर कॉलोनी बाईपास के पड़ोस में। अच्छा ठीक है, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? जब आए थे तो वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी, उनका खान पान बिल्कुल खराब हो चुका था, चलने में भी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं थी, असमर्थ हो गई थी। तो जब लेके आए थे तो डॉक्टर ने डायलिसिस बता दी थी और डायलिसिस हम लोगों ने करवाई नहीं थी, फिर आपका पता चला, आपके पास आए तो आपने जो किया उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और अब वो बहुत अच्छी हो गई हैं और उनका खान पान भी अब सुधर गया। जब डायलिसिस आपको बताया था तो आपको डायलिसिस के साथ ट्रांसप्लांट भी बताया होगा कराने के लिए, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि डायलिसिस ना कराया जाए? डायलिसिस में एक तो वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, डायलिसिस से उनका शरीर और ज़्यादा दे सकता था और जो आज उनकी स्थिति है उसको देखते हुए ज़्यादा दिन हो सकता है उससे चल भी ना पाते। अभी कितना है क्रिएटिनिन उनका? अभी उनका क्रिएटिनिन है 4.4। जब आपने शुरू किया था ट्रीटमेंट तब 9.7 था और जब आपको डायलिसिस बोला था डॉक्टर ने, कब कराई थी 9.6 वाली रिपोर्ट आपने? ये हमने करवाई थी अप्रैल में। कहाँ से कराई थी? लखनऊ से। लखनऊ। कितना टाइम हो गया आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हुए? 6 महीने। 6 महीने हो गए। फिजिकल लेवल से आप दुरुस्त हैं बिल्कुल? जी। ये इनकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इनका क्रिएटिनिन लेवल है 9.74 और इन्होंने ये 15 जून को रिपोर्ट कराई है। 9.74 इनका क्रिएटिनिन है, ये अपने लखनऊ से इन्होंने रिपोर्ट कराई है इस पर्टिकुलर लैब से। उसके बाद इनका रिपीट इन्होंने रिपोर्ट कराई है अक्टूबर में, ये लखीमपुर से ही कराई है इन्होंने। 5.3 इनका इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन है। 25 अक्टूबर 2017 की ये रिपोर्ट है। अभी इन्होंने लेटेस्ट कराई है 12 दिसंबर 2017 को, क्रिएटिनिन जो है अब इस रिपोर्ट में घट के 4.46 हो गया है, यानी कि 9 क्रिएटिनिन से ये स्टार्ट हुए, इनको डायलिसिस उस समय पे एडवाइस कर दिया गया था, घट के वो क्रिएटिनिन हुआ इनका 5 और अब जो है ये 4 हो गया। इसका अर्थ यह है कि अभी इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये बाहर है। इनका जो GFR है वो इस लेवल तक बढ़ चुका है कि डायलिसिस की इनको आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205, 0114264274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।